माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसमें मोस्ट टाइम भी 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड वन इज सेक्शन फार्मूला एंड थर्ड वन इज एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ये फर्स्ट पार्ट में मैं आपको आज डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताने जा रहा हूँ और उसका एक सम एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके, फर्स्ट डिस्टेंस फार्मूला क्या है? तो डिस्टेंस फार्मूला मैं फर्स्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला में हम एक पॉइंट पे, जैसे कि ए और बी, वो ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है। दो पॉइंट्स दिया जाएगा, वो दो पॉइंट्स एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, उसमें से हमें दो पॉइंट्स डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ अंडर रूट में, या अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट में एक्स टू माइनस एक्स वन होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई वन होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अभी एक्स टू और एक्स वन क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक सम। ओके, जैसे कि ए हुआ एक पॉइंट पे 2, -3, देन आफ्टर बी हुआ -6, 3। तो ये जो पॉइंट है हम लोग स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हैं कि ऑलवेज एक्स, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म जो होगा ब्रैकेट में वो एक्स होगा, नेक्स्ट होगा वाई, यहाँ पे भी एक्स एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे जो दो बार दो पॉइंट दिया हुआ है तो इसको हम लोग नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे ये एक्स वन और ये वाई वन। ओके, देन आफ्टर ये एक्स टू और ये सॉरी वाई टू, एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई वन। अभी इसको हम इंडिकेट करेंगे ये इस फॉर्मूला पे कि जैसे कि देखो, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर्मूला तो ऊपर है जी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए बी इज इक्वल टू ये एक्स वन अंडर रूट, पहले अंडर रूट में लिख ड्रॉ कर लेता हूँ। अंडर रूट में क्या है, एक्स टू क्या है, -6, तो -6 ब्रैकेट में लिखूंगा, देन आफ्टर माइनस, देन आफ्टर एक्स वन क्या है 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू यहाँ पे है 3 माइनस वाई वन क्या है, वाई वन है -3, तो -3 भी ब्रैकेट में लिख के होल ब्रैकेट का स्क्वायर मैंने लिख लिया। देन आफ्टर देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे लेकिन माइनस का साइन आएगा, मतलब 6 + 2 8 होगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा तो माइनस होल ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी मैं अंडर रूट करना भूल गया, यहाँ पे अंडर रूट आपको मस्ट भी करना है, प्लस का प्लस, देन आफ्टर यहाँ पे 3 and 3 माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 हो जाएगा 6, लेकिन माइनस माइनस कट जाए इसलिए प्लस का साइन आएगा यहाँ पे। ओके, तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 8 = 64, यहाँ पे अंडर रूट ड्रॉ करेंगे, 8 8 = 64 प्लस 6 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हट गया। ओके, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस 64 लिखा हुआ है, और 6 का स्क्वायर 6 6 = 36। अभी ये दोनों का प्लस क्या होगा अंडर रूट में, 64 + 36, 4 + 6 = 10, 1 कैरी, देन आफ्टर 6 ने 1 7 ने 3 10, सो यहाँ पे 100 आएगा। तो ये अपने अंडर रूट में 100 आ गया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अंडर रूट में 100, तो 10 × 10, 10 × 10 = 100 होगा। अभी 10 × 10 = 2 दो बार 10 और 10 आया तो हमें पता है कि अंडर रूट में आए, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, 1 × 10 लिख देंगे। अभी 1 × जो 10 लिखा है ये अपना आंसर हुआ, लेकिन इसको हम लोग क्या कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसको लिखेंगे 10 units, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस होगा 10 units। इज दैट क्लियर? अभी ये मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला समझाया। अभी डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड एक और फार्मूला है जिसको हम लोग कहेंगे इक्वाडिस्टेंस, तो उसको मैं अभी आपको बता देता हूँ इक्वाडिस्टेंस क्या होगा। इक्वाडिस्टेंट फार्मूला, ये भी सिंपल है डिस्टेंस फार्मूला की तरह ही। ओके, इक्वाडिस्टेंस फार्मूला में क्या होगा,
तो अगर मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ इसको समझाने के लिए, पहले मैं इसको एक क्वेश्चन आपको लिख के बता देता हूँ कि इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होगा। मान लो कि फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, विच इज इक्विडिस्टेंट, फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इट मीन्स देखो यहां पे फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ये समझ लेना, हमें ए और बी एक पॉइंट दिया गया होगा, उसमें से हमें इक्विडिस्टेंस पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो इक्विडिस्टेंस पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे फर्स्ट हम करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 6 एंड 5, बी इज इक्वल टू -4 एंड कॉमा 3, और यहाँ पे एक सी पॉइंट दिया जाएगा, सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पे क्या होगा, सॉरी, तो सी पॉइंट हम ले लेंगे। सी पॉइंट में देखो, सी पॉइंट में क्या लेंगे, मैं यहाँ पे ब्रैकेट ब्लैंक एम्प्टी रख रहा हूँ, क्योंकि देखो इससे पहले एक चीज होगा जो मैं आपको बताना भूल गया कि अगर इक्विडिस्टेंस हम फाइंड करेंगे तो अगर देखो कि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वाई की वैल्यू आएगी 0। ओके, वाई की वैल्यू 0 होगी। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, 0। मतलब देखो मुझे यहाँ पे वाई एक्सिस पे फाइंड करना है, वाई एक्सिस पे फाइंड करना है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू -4 है, वाई की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे एक्स ही में हमें फाइंड करने से पहले ये आपको रूल यहाँ पे फॉलो करना है। तो यहाँ पे सी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, और वाई के लिए हम वाई मतलब वाई के लिए वाई का वाई लिखेंगे। ओके, तो अभी देख लो यहाँ पे, समझ लेना। और इसमें क्या है, इक्विडिस्टेंस में क्या होगा, तो इक्विडिस्टेंस में होगा जैसे कि ये ए और सी, ये दो पॉइंट के ऊपर यहाँ पे एक सी दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। इक्विडिस्टेंस फॉर्मूला में यही होता है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो प्रूव करने के लिए मैं अभी आपको सम, जैसे यहाँ पे अभी हमने लिया हुआ है ये क्वेश्चंस को हम फॉलो करेंगे। ओके, देख लो यहाँ पे कैसे एसी, तो देखो मैं अंडर रूट में जो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला था वही हम लोग यहाँ पे वो करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला में आप अंडर रूट लिखना हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ना लिखो तो भी चले, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, अंडर रूट में एसी, अभी देखो यहाँ पे एसी, अभी इसमें हम बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, ओके, बी को हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे ए और सी, मतलब कि ए क्या होगा यहाँ पे, अभी ए हुआ एक्स वाई वाई वाई, x1 y1, ओके, और c होगा x2 और y2, इज दैट क्लियर। अभी के लिए हम लोग इसको सोच लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं x1 y2, मैं अभी x2 माइनस x1 में लिखूंगा, तो देखो यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ x2, यहाँ पे 0 x2 हुआ, और माइनस, माइनस का सिंबल माइनस, x1, तो x2 माइनस x1, तो x1 क्या हुआ 6, उसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे y2 हुआ, यहाँ पे y2 y ही है, यहाँ पे y2 y, माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5, y1 है यहाँ पे 5 है उसका स्क्वायर, इज दैट क्लियर। ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, इसको आपको अंडर रूट लिखना हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज ना लिखो तो भी चले। और यहाँ पे अभी बीसी को देखेंगे, तो बी अभी क्या हुआ, बीसी 1 वाला, मतलब x1 y1 यहाँ पे होगा और ये x2 होगा। ओके, x2 y2, देखो यहाँ पे इसको भी अंडर रूट में मैं लिख दूंगा, यहाँ पे x2 है 0 माइनस x1 है -4, तो ब्रैकेट में -4 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 यहाँ पे है y माइनस
वाई वन क्या है, 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। इज दैट क्लियर? समझ लेना बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, उतना हार्ड नहीं है। एक बार आप समझोगे इसको, रिविजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये मैंने लिख लिया। अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट, ये चला जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, मतलब आपको लिखना होता आप लिख सकते हो, अदरवाइज ना लिखो तो भी चल जाए। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखो माइनस सॉरी 0 माइनस 6, तो 0 माइनस 6 क्या होगा, -6 ही होगा उसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे y-5 होल ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज हमने लिखा। यहाँ पे देखो अभी 0 माइनस और ब्रैकेट में -4 है, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 उसका स्क्वायर प्लस y-3 होल ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज हमने लिख लिया। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, देखो 6 का स्क्वायर, 6 6 36, माइनस माइनस कट होगा इसलिए 36 अकेला आएगा। अभी देखो यहाँ पे हम लोग एक रूल करेंगे, एक कौन सा फॉर्म हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो यहाँ पे ये a माइनस बी का स्क्वायर। ओके, एक आइडेंटिटी हमने 8 स्टैंडर्ड में और 9 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखो y माइनस 5 का होल ब्रैकेट स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं करूंगा मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर, देन आफ्टर सेकेंड टर्म का स्क्वायर, देन आफ्टर माइनस 2 फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। मतलब देखो यहाँ पे हो जाएगा वाई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ओके, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 25। ओके, देन आफ्टर 2 वाई फर्स्ट टर्म और देन आफ्टर सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 5। ओके, सेकेंड टर्म 5 है, तो एज इट इज रखा। यहाँ पे इज इक्वल टू का इज इक्वल टू सेम, यहाँ पे हमने जैसे फॉलो किया सेम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 16। ओके, देन आफ्टर वाई का स्क्वायर, जैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट किया वैसे यहाँ पे भी इसको यूज करेंगे, तो वाई का स्क्वायर फिर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 3 क्या होगा 9। ओके, फिर माइनस 2 ब्रैकेट में वाई एंड सेकेंड टर्म 3। ओके, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 एज इट इज माइनस 5 2 2 5 10 y। ओके, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी वन बाय वन आपको सॉल्व करना है, सेम यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे जैसा था एज इट इज 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 2 3 6 y। ओके, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अभी क्या करेंगे, अभी देखो 36 देन माइनस 25 है, सॉरी यहाँ पे प्लस 25 आएगा, बाय मिस्टेक मैंने माइनस लिखा है, यहाँ पे प्लस 25 आएगा। ओके, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 5 25, तो माइनस 5 और 5 माइनस माइनस कट गए इसलिए प्लस 25 आएगा। तो यहाँ पे 36 प्लस 25 हम लोग एक जगह पे एक नंबर कर लेंगे, देन ये वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों कट जाएगा। देन आफ्टर 36 प्लस 25 हम यहाँ पे करेंगे, जो बच्चा है वो 10 y इज इक्वल टू 16 और 19, तो 16 प्लस 9 माइनस 6 y। तो देखो यहाँ पे 36 प्लस 25 हुआ 61। ओके, ये दोनों का प्लस हमने किया, माइनस 10 y एज इट इज हमने रखा। सेम यहाँ पे 16 प्लस 9 को हम लोग प्लस करेंगे, तो 16 प्लस 9 होगा 25 माइनस 6 y एज इट इज। अभी क्या करेंगे, जो नंबर्स है और y है वो एक जगह पे कर लेंगे, इट मीन 61 एज इट इज हमने रखा, 61 एज इट इज, और ये 25 राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमें सिंबल्स हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे प्लस 25 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25। ओके, और यहाँ पे ये माइनस 10 y है, तो नेक्स्ट साइड पे अगर चेंज साइड चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 y माइनस 6 y। देख लेते अभी क्या होगा, 61 में से 25 माइनस करेंगे, तो 61 में से 25 माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 36 इज इक्वल टू 10 y में से 6 y माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 4 y। ओके, अभी क्या होगा,
y की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी, y की वैल्यू, ओके, एक डिस्टेंस जो फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी. तो ए और बी में हमने y की वैल्यू में फाइंड करनी थी, तो y इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4. 4 के टेबल में 36 कब आता है, तो 4 9 36. सो y की वैल्यू अपनी आ गई 9. तो अब ये y पॉइंट वही है, मतलब जो ये y c कोऑर्डिनेट पे, 0 की जगह पे अपना c कोऑर्डिनेट पे, अपना c कोऑर्डिनेट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, c कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू आ जाएगी 0 और y की वैल्यू आ जाएगी 9. ओके, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव किया. होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. इसको एक बार रिविजन करना, और ये फर्स्ट पार्ट है. अभी मैं सेकेंड पार्ट इसके बाद, मतलब अपना जो डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब इसके बाद सेक्शन फॉर्मूला है, वो सेकंड पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. थैंक यू.